So let's start how to draw Pareto in Excel. Okay, पहला step क्या था? Collect the defect in descending order. तो कितने defect हैं मेरे पास? Dent, इसकी सबसे ज़्यादा frequency है 50, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे. Scratch, तो इसकी frequency क्या है? उससे कम है, तो उसके बाद में rusty, then under OD oversize 20, then उससे छोटे वाला ID undersize 10. Okay, अब इसका क्या करना है? परसेंटेज निकालूंगा. परसेंटेज निकालने के लिए मुझे डेंट की जो फ्रीक्वेंसी है 50 डिवाइड बाय 150. ओके, अब ये 150 क्या है? इसके अंदर कॉमन रहने वाला है, तो कॉमन रहने वाला है तो क्या करेंगे? शिफ्ट लगा के डॉलर लगा देना है. ओके, यस यस बोलते जाए करो. देन इनटू में 100, हमको सिर्फ वन टाइम फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपको कॉर्नर से इसको ड्रैग कर देना है, अपने आप क्या ले लेगा, सबके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा. ओके, अब मैं इसको देखूंगा कि मेरा परसेंटेज सबके लिए सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ. तो मैं इनको मैं सम निकालूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सबको सिलेक्ट किया और तो सम कर दूंगा तो 100 आ गया. इसका मतलब है मैंने जो परसेंटेज कैलकुलेट की है फॉर एवरी डिफेक्ट इट इज ओके. अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इक्वल टू का प्रेस करके देन फर्स्ट जो परसेंटेज है उसको एज इट इज क्लिक करके एंटर कर देंगे. ओके, देन फर्स्ट क्यूमुलेटिव पे एंटर वो क्लिक करके देन शिफ्ट प्लस और उससे सेकंड जो फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी का जो परसेंटेज है स्क्रैच का उस पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे. आगे समझ. अब क्या करेंगे, इसको कॉर्नर से इसे ड्रॉ कर देंगे. अब ड्रैग करने के बाद ये देखेंगे कि सबसे लास्ट वाला जो डिफेक्ट है उसकी क्यूमुलेटिव 100 आनी चाहिए, तो 100 आ गई. अब देखते हैं कि हम इसको एक्सेल में कैसे ड्रॉ जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. तो आपको डिफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लेना है. क्या सिलेक्ट करोगे? डिफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी. देन कंट्रोल दबा के आपको कंट्रोल एंड क्या दबाना है, लेफ्ट की. इन अगर आप उसमें बना रहे हो लैपटॉप में तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट की दबानी है और क्यूमुलेटिव को सिलेक्ट कर लेना है. आया समझ? दोबारा बता देता हूँ क्या करना है. लेफ्ट की दबा के आपको फ्रीक्वेंसी एंड डिफेक्ट को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट कर लिया. अब इसको छोड़ दूंगा एज इट इज. कर्सर को यहां लेके आऊंगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज पे. देन प्रेस कंट्रोल एंड लेफ्ट की और 100 तक मैं तो सिलेक्ट कर लूंगा. सिलेक्ट कर लिया और इसको ऐसे ही छोड़ देना है. फिर जाना है तुमको इंसर्ट पे. इंसर्ट पे जाके कॉलम पे 2D कॉलम ले लेना. ओके, 3D ले सकते हैं? हाँ 3D ले सकते हो, पर 2D कॉलम से बनेगा ये ज्यादातर बेटर. यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इसे. अब क्या करना है, इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज पे मुझे डबल क्लिक करना है. कितना क्लिक करना है? डबल क्लिक, जब तक ये आपका क्यूमुलेटिव परसेंट को सिलेक्ट ना कर ले. कर लिया इसने सिलेक्ट. अब मैं राइट क्लिक दबाऊंगा और जाऊंगा फॉर्मेट डाटा सीरीज पे. किस पे जाऊंगा? फॉर्मेट डाटा सीरीज से ये प्राइमरी एक्सेस से मैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस कर लूंगा. हो गया. अब मैं अगेन डबल क्लिक ऑन क्यूमुलेटिव परसेंटेज. हो गया. राइट क्लिक दबाऊंगा. चेंज सीरीज चार्ट टाइप. क्या करूंगा? इस पर क्लिक करके और मैं कोई भी लाइन वाला एक ग्राफ चूज कर लूंगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव मेरी लाइन ग्राफ में शो होती है. ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज किसमें आती है? लाइन ग्राफ में. अब मेरा इसे यहाँ से इनका काम हो गया खत्म. इसको मैं वैसे डिलीट कर सकता हूँ. ओके, और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ग्राफ को. इन कॉर्नर से पकड़ के आप इसे एडजस्ट कर सकते हो. ये जो लाइन होती है ना, इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं, और इनको आप डिलीट कर दो. और जैसे आपको ये जो 120 है, यहाँ पे 120 जगह पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितने में तोड़ना है? 100 में, क्योंकि लास्ट कितना होता है? 100. तो मैं 0 पे इसको कर्सर लेके जाऊंगा. राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट एक्सिस. फॉर्मेट एक्सिस से तुम्हें सारी चीजें क्या कर लेनी है? फिक्स. ठीक है, जहाँ पे आपको 120 दिख रहा है वहां पे कितना कर दोगे? 100, क्योंकि मेरा लास्ट कितना है? 100. क्यूमुलेटिव का लास्ट आता है 100, तो मैंने 100 में इसको फिक्स कर लिया.
ये वाली जो राइट हैंड वाली जो ये एक्सरसाइज से कहते हैं सेकेंडरी एक्सिस, कौन सी एक्सरसाइज? और लेफ्ट हैंड वाली कौन सी है? प्राइमरी एक्सिस। ओके, अब ये जो क्यूमुलेटिव जो लाइन है ना, ये बीच में से आ रही है, बल्कि कहाँ से आनी चाहिए? टॉप से आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टॉप से लाने के लिए इसको प्राइमरी एक्सिस को क्लिक करूंगा जीरो पे, फॉर्मेट एक्सिस, और सबको क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। जहाँ पे आपको 60 दिख रहा है, सबसे बड़ी वाली जो वो दिख रही है फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह पे आप टोटल डाल दो 150। टोटल कितना है हमारा? 150। ठीक है, अब जो है इसको क्या करो, ये जो लाइन है ना ग्रिड लाइन, इसको ऊपर कर्सर रख के इनको डिलीट कर सकते हो। डिलीट हो गया। अब ये जो है ना, ये जो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ है, ये चीजें यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेवल कर सकते हो। फिर अगेन राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज बजाओगे, किस पे? ये जो आपको दिख रहा है ना नो गैप, इसको पूरा नो गैप कर दो, क्योंकि पैरेटो में ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये जो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज सबका क्या है? सबके साथ ऐड हो चुकी है, कंबाइन है, तो इसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अगर आपको इसको थोड़ा सेपरेट दिखाना है, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाओगे और इसे आउटलाइन दे सकते हो किसी भी कलर की, तो सारा आपका सेपरेट दिखेगा। ये दिख रहा है? ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज के ऊपर, राइट क्लिक, ऐड डाटा लेवल। ओके, अब आ गया ना पूरे इसके परसेंटेज भी, क्यूमुलेटिव की। अब मैं इसको ये शो करूंगा कि मेरे पैरेटो के अंदर 80% कहाँ तक आ रहा है। मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊंगा, कोई एक शेप ले लूंगा रेक्टेंगल की, और मैं 80% को यहाँ से यहाँ तक क्या करूंगा, ढक दूंगा। ढक दिया मैं 80% में, अब नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, शेप फिल में जाके नो फिल कर दूंगा इसको। कर दिया नो फिल, कर दिया, और इसके आउटलाइन को दे दूंगा मैं रेड कलर। ओके, तो 80% में कितनी प्रॉब्लम कवर होगी? 1, 2, 3। तो 80% कितनी प्रॉब्लम कवर है? 3। तो मुझे सबसे एक्शन जो लेना है 3 प्रॉब्लम पर लेना है। तो सबसे पहले मैं किस पर लूंगा, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव परसेंटेज है इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअल पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मैं सबसे पहले इसको क्लिक करूंगा, इसको पकड़ूंगा एनालिसिस करने के लिए, देन इसको पकड़ूंगा, देन इसको। ठीक है, तो इनको मुझे एक्शन लेना है और देखना है कि जितने भी 20% पोटेंशियल कॉजेज हैं उनको एनालिसिस करके उन्हें क्या करना है, किल करना है, टेकिंग काउंटर मेजर्स, आपको एक्शन लेने। ठीक है, समझ गए? अब इसको सिलेक्ट करके कहाँ लेआउट में चले जाना है, लेआउट में चार्ट का टाइटल दे देना है एवब चार्ट। तो ये क्या है यहाँ पे, पारेटो, पारेटो चार्ट। ओके, ऐसे ही दोबारा सिलेक्ट करना है, इसके अंदर लेआउट पर जाना है, एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिलो एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पे आपको बिलो एक्सिस पर जाना है। यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट। ओके, अगेन क्लिक करना है एक्सिस टाइटल, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस रोटेटेड, यहाँ क्या दे देना है आपको, फ्रीक्वेंसी। ओके, देन आपका ये क्या हो गया, पैरेटो तैयार हो गया बन गया। ठीक है, ओके, आपको इनको थोड़ा बड़ा करना है डिफेक्ट को, तो यहाँ से बड़ा कर दो। ठीक है, और इस डिफेक्ट को भी बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ से, फ्रीक्वेंसी को भी बड़ा कर सकते हो और इसे ही बड़ा कर सकते हो। तो समझ आ गया, 80% के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है हमें उनको एक्शन लेना है। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? 3। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है और ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसीज है। तो मुझे 3 प्रॉब्लम पे सबसे पहले एक्शन लेना है। पैरेटो क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है, प्रायोरिटाइज 80% के अंदर कितनी प्रॉब्लम आ रही है, 3 आ रही है, तो सबसे पहले मुझे इस पर एक्शन लेना है।